हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने भी वो न्यूज़ सुनी है जिसमें UIDAI जो कि आधार वाली कंपनी है उसका नंबर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है और उससे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन और अकाउंट्स डिटेल को हैक किया जा सकता है। जी हाँ, मेरे पास भी वो एक मैसेज व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होता हुआ आया और फिर मैंने सोचा क्या ये सही है या नहीं, इसके लिए जांच की जाए। मैंने इंटरनेट पे पाया, सबसे पहले प्रभु चावला जी ने इसको ट्विटर पे पोस्ट किया था कि आपके फ़ोन में UIDAI का एक कॉन्टैक्ट नंबर बिना बताए कंपनी ने सेव कर दिया है और उसके बाद कई लोगों ने इसको मैनिपुलेट किया और इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की कि इस नंबर से आपके मोबाइल की इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स और आपकी अकाउंट डिटेल को हैक किया जा सकता है। बट ऐसा नहीं है। प्रभु चावला जी ने जो ट्विटर पे इन्फॉर्मेशन दी थी वो सिर्फ ये थी कि UIDAI जो आधार वाली कंपनी है उसका नंबर आपकी फ़ोन लिस्ट में सेव है और ऐसा मोस्टली सभी फ़ोनों में मिला। हाँ जी, जब वो गूगल ने एक्सेप्ट किया 2014 में, उन्होंने एंड्रॉयड में जब कुछ चेंजेस कर रहे थे तो उन्होंने 112 नंबर्स की कुछ लिस्ट को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर ऑटोमेटिकली फ़ोन में सेव करने के लिए सर्कुलेट किया और वो OEM को दे दिया। OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। और उसके बाद ये कॉन्टैक्ट नंबर्स जिसमें कि आधार वाली कंपनी का भी नंबर्स चलता रहा, एंड जैसे जैसे पब्लिक अपना नंबर चेंज करती रही, फ़ोन चेंज करती रही और वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ सब कॉन्टैक्ट लिस्ट में पहुंच गया। आधार वाली कंपनी ने बताया कि उन्होंने 2016 में ये नंबर के लिए प्रस्ताव रखा हुआ था और 2017 में उनका 1947 1947 करके एक नंबर लॉन्च हुआ है जो कि टोल फ्री नंबर है। और जो उनका ये पुराना नंबर था वो 1803001947 जो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव होगा UIDAI के नाम से, वो वर्किंग में नहीं है। और ऐसा उन्होंने ना ही किसी को बोला था कि ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाला जाए। बट ये 2014 से कैसे गूगल ने सोच लिया और कैसे एंड्रॉयड में ये नंबर पहुंचा, इसके लिए अभी भी गूगल चुप है और इसकी कार्रवाई के लिए आगे रिप्लाई करेगी। जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है इससे रिलेटेड मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू।